नितेश वर्मा के ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मतलब ये आप देख रहे हो, मतलब मैं जो पैकिंग कर रहा हूँ ना, ये कहीं मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं, प्रभु सर और उनके वाइफ। तो हम लोग का जो प्लान बन गया है यहाँ से जो है शिरडी जाने का आज का। तो अभी जो है टाइम हो गया 9:25 और हम जो है मिलने वाले 11:30 एरोली पे। तो यहाँ से जो है मैं निकलूंगा एक्टिवा पे, एक्टिवा जो है एरोली पे ड्रॉप करना है, वहां से जो है अर्टिगा लेना है। अर्टिगा में हम लोग जो है जाने वाले शिरडी, शिरडी से जो है शनि सिंगनापुर। ये दोनों अगर हमारा टाइम पे हो गया तो हमारा जो है अगला प्लान होने वाला है पंडरपुर। मतलब आप सोचोगे यार शिरडी शनि सिंगनापुर से पंडरपुर ये थोड़ा सा अलग हो गया, बट ठीक है, पूरा घूमने का प्लान है। 2 दिन का ट्रिप रहेगा, मतलब आज की रात और कल का पूरा दिन और परसों मॉर्निंग वापसी आएंगे हम लोग। तो देखते अभी जो है फिलहाल फटाफट पैकिंग करते हैं और शायद मैं आपको सीधा भी एरोली पे जाके मिलता हूँ। चलिए, तो ऑलमोस्ट जो है 45 मिनट्स लग गए मुझे कल्याण से जो है एरोली पहुंचने में। गाड़ी जो है यहाँ पे पीछे मैंने पार्क कर दी है, यहाँ से जो है मैंने एर्टिगा ले लिया है और सर जो है वहाँ पे एकदम टाइम पे पहुंच गए। और एक और बात जो है आपके साथ शेयर करना है कि ये शायद से वीडियो आपको एकदम नज़दीक दिखेगा क्योंकि मैंने आज जो है मेरा लेंस चेंज किया है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या तो फिर मैं सोच रहा हूँ किसी और कैमरे में शिफ्ट हो जाऊँ। अगर मुझे आपने बोल दिया भाई क्वालिटी में मज़ा नहीं है तो ही मैं सोचूंगा, अदरवाइज ये कैमरे के साथ ही हम लोग जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर, मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमें जो है प्रभु सर यहाँ से जो है दिख गए रोड के वो साइड, मतलब सिग्नल क्रॉस हो जाएगा तो हम उनको जो है पिकअप कर लेंगे। सिग्नल तोड़ना गलत बात है भाई। वेलकम टू, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेलकम टू कैंडीज व्लॉग। अरे क्या बात है, किधर जा रहे हम लोग, शिरडी, शिरडी जा रहे हैं, शिरडी। थोड़ा आपका एंगल चेंज कर रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं यहाँ कभी ऐसा सिनेमैटिक शॉट नहीं लिया, लेकिन ना क्या मेरे व्लॉग में ऐसा नहीं होता है। नहीं दिख जाता है वैसे तो, बहुत सीन पंगा हो गया मतलब। तो यहाँ अभी तो मैंने स्टार्ट किया, इतना सारा बोल दिया और पता चला यार कैमरा बंद था। चलो होता है, कभी कभार ऐसे हो जाता है। गाड़ी में जो है पेट्रोल सीएनजी दोनों भी डालना है। सर ने जो है 2 बार मैप गूगल मैप में डाला, पेट्रोल पम्प ढूंढ रहे थे, लेकिन भाई चालू दिखा रहा था लेकिन पेट्रोल पम्प बंद था। अब जो है इतने साल से ओला चला रहा हूँ तो पता है कि कहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है माझीवाड़ा में पेट्रोल सीएनजी दोनों भी मिलेंगे। कौन से पेट्रोल पम्प पे रुके, भारत पेट्रोलियम है यहाँ पे शायद से, यहाँ से पेट्रोल और सीएनजी दोनों भी भरेंगे। और कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 226 किलोमीटर, और 5 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे, मतलब ट्रैफिक नहीं लगेगा। 2.5 घंटा में चलाऊंगा, 2.5 घंटा सर चलाएंगे। यस, ऑल गुड मैडम, सो गई। अब जो है ड्राइविंग का जिम्मेदारी सर का है। ऑलमोस्ट कितना, 100-110 किलोमीटर चलाया रहेगा, 2 टोल लगा मैं बैठा हूँ, 10 किलोमीटर चलाया रहेगा। और कितने टाइम से जो है हम लोग सीएनजी ढूंढ रहे थे और फाइनली जो है हम लोग को सीएनजी भी मिल गया। तो यहाँ से लगभग हम लोग जो है शिरडी पहुँच जाएंगे सीएनजी के भरोसे पे। मैम बहुत मज़ा, ठंड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, और कुछ खाना है लेकिन मुझसे ज़्यादा ना सर को बहुत ज़्यादा भूख लगा है। वैसे भी हम म्यूज़िक प्ले कर ही रहे, तो थोड़ा मेरा म्यूज़िक जो था खत्म कर दिया, मतलब लिटरली उन्होंने डीजे का सॉन्ग बजाया जो कि मराठी में था। मैं टेंशन में आ गया यार, बजाते हैं, सुनते हैं, समझता है कि नहीं। मित्र ये तो नाव का सीएनजी पंप, बिल्लोली, 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 हाँ, मतलब अगर आप बिल्लोली आते हो तो आपको ये सीएनजी पंप चालू मिलेगा 24/7। यहाँ से हम लोग जो है सीधा शिरडी निकलने वाले, और अभी आपको जो है सीधा शिरडी जाके मिलते क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ रहा, एक तो नॉइज भी कितना आएगा ये वीडियो में मेरे को खुद को नहीं पता, लेकिन ये एंगल बहुत अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, अभी ये थोड़ा गिरने वाला ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा आगे जाके इसको ना नीचे से लगाना चाहिए कुछ, फिर वो एकदम डबल डबल से टेक ले ऐसा, ये तो एकदम जबरदस्त एंगल हो गया है। आवाज भी देखो, इसका ना सुन लो, नहीं मेरे को कॉपीराइट आएगा। सुबह के बज गए 3:30 और बाहर निकलते सारी इतना ज्यादा ठंड है, ये कैमरे को देखो कुछ तो धूल लग गया है, बहुत ज्यादा ठंड है और मजा आ रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चाय की तलब कब से लगी थी और फाइनली जो है एक अमृत तुल्य यहाँ पे मिल गया, लेकिन वो अमृत तुल्य जैसा नहीं है। लाइफ इज शॉर्ट, अरे फोकस करो। चाय अच्छा है क्या, अच्छा है, बोलना पड़ेगा अभी तो।
तो टाइम हो गया 6:02 और हम लोग जो है 15-20 मिनट पहले पहुंच गए ना, आधे सारी जो हमको सुबह होटल यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हम लोग ने जो है फ्रेश हो गया, यहाँ पे जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शन करके जो है मैंने पूछ लिया वहाँ पे कि दर्शन के लिए ज्यादा लाइन नहीं है, तो आई गेस आधे घंटे में आ ही जाएंगे। तो मोबाइल से लोड नहीं है, फोन से लोड नहीं है, एग्जैक्टली तो फोन कैमरा सब हम लोग जो है गाड़ी के अंदर रख देते। तो अभी टाइम हो गया 8:15 और तकरीबन एक घंटा लग गया हमको जो है दर्शन लेने में। तो यहाँ से जो है हमारा प्लान बन रहा है शिरडी से शनि सिंगनापुर जाने का। शनि सिंगनापुर यहाँ से जो है 1:15-20 दिखा रहा है। तो अरे ये कितनी ज़्यादा भूख लगी है सर आपको? थोड़ा बहुत भूख लगा, लेकिन इधर का टेस्ट करना है, लोकल टेस्ट करना है। हाँ ये भी है। क्या लिया आपने? पोहा विद तरी। वाओ, गर्मा गर्म मिल रहा है। तरी नहीं डालते मुंबई में, तो ट्राई कर रहा हूँ। आप ही आ जाओ, आपके लिए स्पूनी। ओम साई राम। ओम साई राम। नेटवर्क नहीं है क्या? अच्छा मैंने ये बंद करके रखा है। ओके खाली है रास्ता। कितना दिखा रहा है? 1:27। तो यहाँ से जो है शनि सिंगनापुर 73 किलोमीटर है, 1 घंटा लगने वाला है। 1 घंटा 20 मिनट लगने वाला है। तो चलिए निकलते हैं। एकदम भूख लगा है, मिसल खाने का मन कर रहा है। किधर भी मिसल का दिखेगा ना, हाँ आउटलेट रुका देना, चलेगा चलेगा। खास मिसल खाएंगे, थोड़ा शिरडी छोड़ देते, फिर आगे जाके जो है कहीं पे भी ढाबा वगैरह मिल जाएगा ना, तो मतलब ब्रेकफास्ट के लिए रुक जाएंगे। लोकल भी चलेगा, लोकल में बहुत मजा आता है। अभी टाइम हो गया 10:06 और ऑलमोस्ट जो है हम लोग टाइम पे पहुंचे ना। yes. कितना टाइम मतलब हम लोग सोचे थे, मतलब 9:30 9:30 9:30 मतलब 7 का वहां पे ना शिरडी में दर्शन करने का था, लेकिन वहां पे जो है आधा एक घंटा हम लोग का लेट हो गया। इसके लिए जो है ये भी हम लोग ने ऑलमोस्ट अच्छा कवर किया, लेकिन आपने अच्छा कवर किया। हम लोग तो यहाँ पे अभी शनि सिंगनापुर पे पहुंच गए, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रुक जाएंगे यहाँ पे। लगा नहीं ना शनि सिंगनापुर में इतना जल्दी दर्शन होएगा। जल्दी, बहुत जल्दी हुआ। 10 मिनट बोला वो और 5 मिनट में दर्शन हो गया। यहाँ से अभी निकलेंगे पंढरपुर के लिए। अब पंढरपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? बस 5 में पहुंच जाएंगे। कितना बजे है? सर ये विजयराज में वेज और नॉन वेज दोनों है, क्या खाएंगे? वेज मिसल अगर मिलेगा तो। कब से बोल रहे थे यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन एक और आगे 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 करते 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 50 किलोमीटर आगे आगे ऐसा लग रहा था, और आगे आगे करके तो पंढरपुर पहुंच जाते थे। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया, वहाँ पे जो है रुके थे हम लोग, लेकिन लंच अभी फिलहाल करने का कोई मूड नहीं बन रहा था। तो सर ने बोला यार मिसल पाव खाते, और उनको काफ़ी टाइम से जो है मिसल पाव खाने का इच्छा हो रहा था। तो हम लोग जो है ये कैलाश उड़पी में हम लोग जो है आ गए। कैलाश उड़पी नाम है ना इसका? हाँ बराबर। सर गुलाब जामुन खाएंगे? गुलाब जामुन नहीं, मिसल तो पहले खाएंगे। सर मेरे पास 2 का कॉइन है, हेड आएगा तो आप ड्राइव करोगे, टेल आएगा तो मैं ड्राइव करेगा, ठीक है? टॉस? यस। हेलो क्या है? हेड आया, कौन करेगा ड्राइव? आप बताओ। तो फाइनली हम लोग जो है पंढरपुर पहुंच गए, और गूगल बाबा के चक्कर में हम लोग जो है 1.5 घंटा लेट हो गए। मतलब ऑलमोस्ट जो है 3:30 यहाँ पे पहुंचने का पूरा प्लान बन गया था, लेकिन सर क्या गाड़ी भगाया, 1.5 घंटा लेट किया आपने। आपने नहीं, गूगल बाबा ने लेट कराया, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन मजा आया ना। सर आपको पता है कि मैं खुद भी पहली बार आया पंढरपुर आपके वजह से। क्या बात है, सही है, अच्छा अच्छा है। और मेरा सेकंड टाइम है शायद, मैं 2004 या 2005 में आया था, मेरे डैडी और मम्मी के साथ आया था, बहुत तब छोटा था। यहाँ पे जो है दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन था, तो हम लोग
मुख दर्शन कर डेढ़ घंटा लाइन में था, डेढ़ घंटा भी नहीं, कम से कम दो ढाई घंटा बोल रहे थे, तो इतना टाइम अभी रुकेंगे, टाइम हो गया 6 बज गए, यहाँ से जो है पूना जाना है, पूना जाने के लिए 4 घंटा लगने वाला है, तो 2 घंटा 4 घंटा पहले ही बॉडी सुबह से 2 दिन हो गए सोया नहीं है। आग देखो आग चले। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया ना? यस, थोड़ा बहुत टायर्ड है हम लोग, बट नो कंप्लेंट्स, अच्छे से हुआ सब कुछ। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से हम लोग जो है जाने वाले पूना, और पूना से हम लोग वापसी में घर पे जाने वाले। The next morning. चल बाय बाय। सो फाइनली अभी पुणे का ट्रिप कंप्लीट हो रहा है, इनकी बहन के तो रुके थे, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी हुआ, और हम लोग डब्लूशेट गणपति भी जाके आए हैं सुबह, और इधर का स्पेशल पोहा खाया मैंने, तो मट्टी पोहा खाया, इन्होंने दही पोहा खाया, और आपने क्या खाया? दड़पे पोहे। दड़पे पोहे, बस अभी निकल रहे हैं, सुबह 7 बजे निकलना था, अच्छा हुआ शाम को 7 बजे नहीं निकल रहे। तो अभी बजा है 1:30, निकलेंगे, कितना आधे घंटे में पहुँचेंगे मुंबई? आप चलाओ तो शायद से पहुँच भी जाओ। तो यहाँ से सीधा एरोली जाएंगे, ये गाड़ी दे देंगे, और उसके बाद जो है सर अपने घर पे, मैं अपने घर पे, और ये जितना भी मैंने आपके साथ जर्नी शेयर किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो भाई थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कर देना यार, अच्छा लगता है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हाँ, तो मिलते हैं किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।